दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में जिन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया है, लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। गोविंदा एक लोकप्रिय फिल्म कॉमेडियन, अभिनेता और पूर्व राजनीतिज्ञ है। गोविंदा हिंदी फिल्म उद्योग में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। साल 2004 से 2009 तक गोविंदा संसद के सदस्य भी थे। बताया जाता है कि ऑनलाइन पोल ने गोविंदा को साल 1999 में स्क्रीन या मंच पर 10वें महानतम फिल्म सितारे के रूप में वोट दिया था। गोविंदा ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की है। एक उर्वरक विज्ञापन में और एक ओलविन विज्ञापन में भी गोविंदा ने काम किया है। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत तन बदन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर की थी और इस फिल्म का निर्देशन उनके चाचा आनंद ने किया था। इसके बाद गोविंदा की अगली फिल्म में लव छासी और इल्जाम ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा गोविंदा ने विभिन्न पारिवारिक ड्रामा जैसे दरिया दिल, खुद गर्ज, घर घर की कहानी और हत्या, जंगबाज, मरते दम तक, जीते हैं शान से जैसी एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया है। गोविंदा ने खुद को फिल्म उद्योग में एक कॉमेडी अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। साल 1980 की फिल्मों में गोविंदा एक एक्शन हीरो के रूप में सबके सामने आए और फिर बाद में कॉमेडी और रोमांस फिल्म शैली में चले गए। फिल्म उद्योग में कुछ समय के लिए गोविंदा का खराब दौर चल रहा था। गोविंदा को लगातार अपनी कई फिल्मों में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गोविंदा तो गोविंदा ठहरे। उन्होंने हार ना मानते हुए फिर से शुरुआत की और फिल्म आंखें, कुली नंबर वन, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शोला और शबनम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिनके कारण उन्हें सफलता भी मिली। गोविंदा ने साल 2000 में फिल्म हद कर दी आपने में बहुत अच्छा अभिनय किया था। इन फिल्म के बाद गोविंदा ने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म में लाइफ पार्टनर, भागम भाग और पार्टनर में काफी अच्छा अभिनय किया। फिल्मों के अलावा गोविंदा ने टीवी पर भी काम किया है। उन्होंने जीना इसी का नाम है शो में एक एपिसोड में काम किया है। इसके अलावा गोविंदा सोनी टीवी पर सबसे लोकप्रिय गेम शो जीतो छप्पर फाड़ के इस शो के वो होस्ट भी रह चुके हैं। गोविंदा ने सिमी गिरवाल के साथ मिलन स्थल में उनकी पत्नी सुनीता के साथ भी दिखाया गया है। सबसे मशहूर टीवी शो कपिल शर्मा में गोविंदा साल 2013 में दिखाई दिए हैं। इन सभी के अलावा गोविंदा ने जी टीवी पर प्रसारित डांस आधारित रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 के भी जज रह चुके हैं। गोविंदा एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गोविंदा के पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा है और वो पेशे से अभिनेता ही हैं। उनकी माता का नाम निर्मला आहूजा है और वो एक गृहिणी है। गोविंदा के भाई का नाम कीर्ति कुमार है और वो पेशे से अभिनेता ही है। गोविंदा की बहन का नाम कामिनी खन्ना है और वो एक लेखक हैं। गोविंदा की पत्नी का नाम सुनीता आहूजा है। गोविंदा को एक बेटा और बेटी भी है। इनके बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा और बेटी का नाम टीना आहूजा है और वो पेशे से अभिनेत्री ही हैं। इसके अलावा गोविंदा की एक और बेटी थी, लेकिन उसकी मृत्यु जब वो 4 महीने की थी तभी हो गई थी। गोविंदा ने मुंबई में एक आलीशान घर खरीदा है और वो अब उसी घर में रहते हैं। गोविंदा ने इस घर की अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा गोविंदा के पास मुंबई में दो अन्य संपत्तियां भी हैं। गोविंदा का रुया पार जुहू में एक बंगला और दूसरा बंगला मंड द्वीप में है। इन सभी के अलावा गोविंदा के पास देश के कई सारे रियल एस्टेट संपत्तियां भी हैं। गोविंदा के पास कार कलेक्शन की बात करें तो गोविंदा के पास कुछ लग्जरी कारें भी हैं। गोविंदा के पूरे जीवन काल में फिल्मी करियर में कुल 12 फिल्म फेयर उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। एक विशेष फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको मिला है। दोस्तों आशा करती हूँ कि गोविंदा की जीवनी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको गोविंदा की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है।